हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम नील कमल एंड टुडे वी विल लर्न क्लास 7 हिस्ट्री फर्स्ट चैप्टर। इस चैप्टर के दो वीडियोस ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिए हैं और आज मैं इस चैप्टर को ख़त्म करा दूंगी और ये आपका थर्ड वीडियो होगा। इसे देखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और यदि आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक बटन दबाना मत भूलिएगा। तो पहले हम लोग इसमें क्या डिस्कस करेंगे ये हम देख लेते हैं। इसमें जो पहला सब टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है रीजन एंड एम्पायर। रीजन एंड एम्पायर में मेनली हम देखेंगे कि जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इस बुक में हम हजार सालों का इतिहास पढ़ेंगे, तो इसमें सेकंड चैप्टर में हम चोलास के बारे में पढ़ेंगे, थर्ड चैप्टर जो होगा वो हमारा खिलजी और तुगलक से रिलेटेड होगा। और जो फोर्थ चैप्टर है वो मुगल डायनेस्टी से रिलेटेड है। ये जो शासक हैं यानी चोला डायनेस्टी के जो रूलर्स थे, फिर खिलजी डायनेस्टी और तुगलक डायनेस्टी के जो रूलर थे, और इसके अलावा मुगल्स जो थे, इन्होंने एक वास्ट एरिया पे अपना शासन कब्जा किया था। तो इसी के बारे में हम देखेंगे कि ये रीजन एंड एम्पायर का क्या मतलब है। एक इजिप्शियन सोर्स है मसालिक अल अबसार फी ममालिक अल अमसार। तो ये जो सोर्सेज है वो मोहम्मद बिन तुगलक के समय में कौन कौन से प्रोविंस उसके शासन के अंतर्गत थे उसके बारे में बताता है। अब देखिए, एक शब्द है जिसे प्रशस्ति कहते हैं। प्रशस्ति का अर्थ होता है तारीफ, प्रशंसा। जब किसी की प्रशंसा में कुछ लिखा जाता है तो उसे प्रशस्ति कहते हैं। एक और प्रशस्ति है जिसके बारे में मैं बता रही थी आपको, वो प्रशस्ति गयासुद्दीन बलबन के बारे में है, जिसके बारे में कहा जाता है कि गयासुद्दीन बलबन का शासन जो था वो पूर्व में यानी ईस्ट में गौड़ बंगाल का पुराना नाम था, तो गौड़ से लेके अफगानिस्तान तक था, अफगानिस्तान में गजनी तक, और इसके अलावा उसमें साउथ इंडिया के यानी दक्षिण भारत के, जिसको कि उस समय द्रविड़ कहा जाता था, उसके बहुत सारे स्टेट्स आ जाते हैं। द्रविड़ के अंतर्गत आपका आ जाता है गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला एंड कर्नाटका। तो उसका ये कहना था, इस प्रशस्ति में ये कहा गया था कि गयासुद्दीन बलबन ने इतने दूर के एरिया पे अपना शासन कायम किया था। हालांकि जो हिस्टोरियंस हैं वो इसको बिल्कुल भी सही नहीं मानते, और एक्चुअली हिस्टोरियंस रिगार्ड दीज एज एग्जरेटेड क्लेम्स ऑफ कॉन्क्वेस्ट। तो ये बात ऐसे भी मैंने आपको बताया कि प्रशस्ति का अर्थ होता है तारीफ। तो राजा क्या होते थे, राजा पैटर्न जो होते थे वो अपने यहाँ जिसको भी संरक्षण देते थे वो उनकी तारीफ में अच्छी अच्छी बातें लिखते थे, और वो अच्छी बातें जो थी कई बार सच होती थी और कई बार सच नहीं होती थी। तो इसीलिए हिस्टोरियंस इसको बहुत ही सही नहीं मानते कि सचमुच इतने वास्ट एरिया पे बलबन का शासन था, क्योंकि मैंने पहले भी आपको बताया कि हिंदुस्तान में दक्षिण भारत शामिल नहीं था। एक शब्द है आपकी बुक में पैन रीजनल में कई बार थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है, बच्चे समझ नहीं पाते। तो पैन रीजनल किसको बोलते हैं पहले मैं ये क्लियर कर दूं। पैन जो है, एक्चुअली पैन इज अ प्रीफिक्स, ये जो है एक प्रीफिक्स है, इट इज अ ग्रीक प्रीफिक्स जिसको शब्दों के पहले लगाते हैं। लाइक अभी के संदर्भ में देख लें तो हम जिसे पैंडेमिक बोलते हैं, पैन हेलेनिक, पेनेशिया, तो इस तरह के शब्द हम बोलते हैं पैन प्रीफिक्स लगा के, ये एक ग्रीक प्रीफिक्स है। तो पैन रीजनल का जब बात बोलते हैं तो इसका मतलब होता है इट इज एन एम्पायर दैट इन्फ्लुएंस द अदर एम्पायर। ये जो एम्पायर होता है वो दूसरे एम्पायर्स को इन्फ्लुएंस करता है। एंड इट इज स्ट्रेस टू ऑल नोन एरिया, इट इज सिमिलर टू ओमनी, लैटिन प्रीफिक्स है ओमनी, लैटिन प्रीफिक्स है ओमनी, जिसका मतलब होता है एवरीवेयर। तो ये
यहाँ पे ये कहने का मतलब हुआ कि जो बड़े बड़े डायनेस्टीज थे जिनका जिनके बारे में मैंने आपको अभी बताया कि चोलास, तुगलक्स एंड मुगल्स, तो इनका जो शासन था वो सारे उस समय के इंडियन सबकॉन्टिनेंट के नोन पार्ट्स पे उनका कब्जा था। अब बात होती है कि फिर इन्होंने इन्फ्लुएंस कैसे किया दूसरे को, तो आप देखेंगे कि जब 18th सेंचुरी में जब डाउनफॉल ऑफ मुगल एम्पायर होता है तो वो जो सेंट्रलाइज एक शासन था वो बट जाता है और बहुत सारे इमर्जेंस ऑफ न्यू स्टेट्स होते हैं। तो जो इमर्जेंस ऑफ न्यू स्टेट्स हैं इसमें बहुत सारी चीज़ों में समानता होती है जो कि मुगल पीरियड में होती थी, यानी वही का चीज जो क्षेत्रीय शासन थे वहाँ पे जाता है, वहीं की चीज़ों को लोग फॉलो करते हैं, वहीं के एडमिनिस्ट्रेशन स्टाइल को फॉलो करते हैं और भी बहुत सारी चीज़ है जिसको वो फॉलो करते हैं। तो पैन रीजनल का ये अर्थ हुआ कि इन शासकों ने जिस वास्ट एरिया पे अपना कब्जा जमाया हुआ था वो बहुत डाइवर्स कल्चर के लोग उसमें शामिल थे। इसके बाद हम एक दूसरा सब टॉपिक डिस्कस करते हैं, ये सब टॉपिक है लैंग्वेज एंड रीजन, यानी किस क्षेत्र में कौन सी भाषा बोली जाती थी। अगेन ये फिर एक लिटरेरी सोर्स मिला है अमीर खुसरो का, जिसमें अमीर खुसरो ने इन भाषाओं के बारे में जानकारी दी है कि किस क्षेत्र में कौन सी भाषा बोली जाती थी। तो मैं इसका एक फ्लो चार्ट बना देती हूँ जिससे आपको सहूलियत हो जाएगी। तो जो लैंग्वेजेस अमीर खुसरो ने 1318 में अपने बुक में जिक्र किया था जिन भाषाओं का, उसकी लिस्ट हम देख लेते हैं। उन्होंने बताया कि किस क्षेत्र में कौन सी भाषा बोली जाती है, तो उस समय लाहौर में लाहौरी बोली जाती थी, सिंध में सिंधी बोली जाती थी, कश्मीर में कश्मीरी बोली जाती थी, फिर सदर्न कर्नाटका का जो एरिया था वहाँ पे द्वार समुद्री, ये एक भाषा है, तो द्वार समुद्री बोली जाती थी, आंध्र प्रदेश में तेलंगानी बोली जाती थी, इसके अलावा गुजरात में गुजरी बोली जाती थी, तमिलनाडु में माबरी बोली जाती थी, बंगाल में गौड़ी बोली जाती थी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि बंगाल का पुराना नाम गौड़ था, तो बंगाल में जो भाषा बोली जाती थी वो गौड़ी उसको बोलते थे। इसके अलावा ईस्टर्न उत्तर प्रदेश में अवधी बोली जाती थी और दिल्ली और आसपास का जो एरिया था वहाँ हिंदवी बोली जाती थी। तो आप देखिए कि कितनी सारी भाषाओं के बारे में उस समय उन्होंने जानकारी दी, उनके लिटरेरी सोर्स से पता चलता है कि इतनी सारी भाषाएं अलग अलग क्षेत्र में बोली जाती थी। तो अभी मैंने एक तीसरा सेक्शन बनाया हुआ है, वो किस लिए है, ये आपका होमवर्क है, ये आपको पता लगाना है कि आज उन क्षेत्रों में जिसका अमीर खुसरो ने जिक्र किया अपनी बुक में, आज के समय में उन जगहों पे कौन सी भाषा बोली जाती है, ये होमवर्क आपको करना है, ठीक है। और अब हम एक दूसरा सब टॉपिक डिस्कस करेंगे, ओल्ड एंड न्यू रिलीजन्स। अब हम जो सब टॉपिक्स डिस्कस करेंगे वो दो बच रहे हैं, एक तो है हमारा ओल्ड एंड न्यू रिलीजन्स, इसके बारे में डिस्कस करेंगे, और जो हमारा लास्ट सब टॉपिक है इस चैप्टर का वो है थिंकिंग अबाउट टाइम एंड हिस्टोरिकल पीरियड। तो थिंकिंग अबाउट टाइम एंड हिस्टोरिकल पीरियड के ऊपर मैंने एक पूरा का पूरा वीडियो बनाया हुआ है, वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप उसके लिंक को क्लिक करके वो पूरा चैप्टर पढ़ सकते हैं ताकि आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। और अब हम डिस्कस करते हैं ओल्ड एंड न्यू रिलीजन्स। तो ओल्ड एंड न्यू रिलीजन्स में एक खास बात है, ओल्ड एंड न्यू रिलीजन में एक खास बात है कि आपको याद होगा मैंने कास्ट हायरार्की बताई थी, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्यास एंड शूद्र, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी कि एक तरफ तो ब्राह्मण्स थे और दूसरी तरफ क्षत्रियास थे, इन दोनों के बीच बहुत टसल होता था, हमेशा लड़ाई होती रहती थी। और लड़ाई किस बात की होती थी, लड़ाई इस बात की होती थी कि कौन बड़ा है, क्योंकि जो क्षत्रिय था वो बोलता था कि भाई हम सबकी रक्षा करते हैं तो हम बड़े हैं, और ब्राह्मण थे वो कहते थे कि चूंकि हमें संस्कृत का ज्ञान है और हम पूजा पाठ वगैरह कराते हैं तो समाज में हमारा स्थान सबसे बड़ा है और हम बड़े हैं। लेकिन असली बात ये थी कि ये दोनों ही एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट थे। क्यों? क्योंकि जो क्षत्रिय था उसको समाज में स्वीकार करवाना ब्राह्मण का काम था,
क्योंकि आपने सुना होगा कि जो राजा थे वो हमेशा कोई सा ना कोई यज्ञ करते थे और उस यज्ञ में उनकी सहायता ब्राह्मिन्स करते थे। तो कहीं ना कहीं ब्राह्मिन्स जो है वो लोगों को ये बताते थे कि ठीक है, ये जो राजा है ये जेन्युइन पर्सन है और इसीलिए इसको एक्सेप्ट किया जाना चाहिए। तो ये होती थी। और राजा जो था वो ब्राह्मण को अपने यहाँ संरक्षण देता था। तो ऐसे दो एक टसल सा दिखता है पर एक्चुअली ये एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट था दोनों के बीच में। तो ब्राह्मण और क्षत्रिय ये दोनों ही बहुत इम्पॉर्टेंट कास्ट थे उस समय में। हम जिसे हिंदुइज्म बोलते हैं, इस समय में धर्म के क्षेत्र में भी काफ़ी परिवर्तन हुए। हर धर्म में कुछ ना कुछ परिवर्तन आया, क्या है वो भी हम डिस्कस करेंगे। पर जिसे हम हिंदुइज्म कहते हैं आज के समय में, उसमें बहुत तरह के इसमें नई चीज़ें आई। हम देखते हैं क्या क्या नई चीज़ें आई। एक तो था न्यूडिटीज की पूजा होनी शुरू हो गए, नए नए देवी देवता आए जिसकी पूजा होनी शुरू हो गए, नए नए टेम्पल्स बनने शुरू हुए। ये टेम्पल्स कौन बनाते थे? जो किंग होते थे वो, या फिर जो वेल्दी पर्सन होते थे वो इस तरह के बड़े बड़े मंदिर का निर्माण करवाते थे। इसके अलावा इस समय में ब्राह्मण्स का वर्चस्व काफी बढ़ा था। और थोड़ा समय बीतने के बाद भक्ति का इमरजेंस हुआ। भक्ति जो थी वो कहीं ना कहीं यदि कहें तो ब्राह्मण को साइडलाइन करने की बात थी, क्योंकि इसमें जो भी डिटीज हैं उनकी जो पूजा की जाती थी उसमें मीडिएटर के रूप में ब्राह्मण को अहमियत नहीं दिया जाता था। और ये माना जाता था कि सिर्फ जो भक्त है वो और भगवान बस दो लोग हैं, और हमारी यदि भावना बहुत प्योर है तो हम भगवान को खुद ही पा सकते हैं, हमें किसी मीडिएटर की, हमें किसी ब्राह्मण्स की जरूरत नहीं है। इसके अलावा इस सेंचुरी में न्यू रिलीजन भी आए, जिसे इस्लाम हम कहते हैं। 7th सेंचुरी में कुरान आया हमारे यहाँ, इस्लाम एक नए धर्म के रूप में हमारे यहाँ आया। तो इसके साथ ही मैं थोड़ा सा पीछे जाऊँगी। आपने क्लास 6 में पढ़ा होगा बौद्ध धर्म, जैन धर्म, और किस तरह से धर्म के अंदर ही विभक्तियाँ होने लगी, किस तरह से एक धर्म ही दो भागों में बंटने लगा, वो मैं थोड़ा सा यहाँ पर आपको रेफरेंस दे दूंगी। और इस बात को ध्यान रखिएगा कि 7th सेंचुरी में इस्लाम भारत में आया, होली कुरान जो कि उनकी पवित्र पुस्तक है, जैसे हमारे यहाँ रामायण, महाभारत, पुराण वगैरह है, ठीक उसी तरह उनकी भी जो होली बुक है उसका नाम कुरान है। तो हम थोड़ा सा पीछे चलते हैं, मैं आपको रेफरेंस दे देती हूँ। एक तो हिंदू धर्म, जिसे कि इस समय एग्जैक्टली हिंदू धर्म नहीं कह सकते, आप सनातन कह सकते हो या फिर ब्राह्मण रिलीजन कह सकते हो। तो हिंदू धर्म में बहुत सारे देवी देवता है ना, 33 कोटि के देवी देवता माने गए हैं। पर खास कुछ हैं जिनके बारे में हम पढ़ते हैं कि हिंदुइज्म जो थी, हिंदू रिलीजन में क्या था। हिंदू रिलीजन में जो शिव की पूजा करते थे उन्हें शैव कहा गया। फिर जो विष्णु की पूजा करते थे उन्हें वैष्णव कहा गया। और जो देवी माँ यानी कि शक्ति की पूजा करते थे उन्हें शाक्त कहा गया। तो कहीं ना कहीं हम देखेंगे कि हिंदू धर्म में अलग अलग देवी देवताओं को पूजे जाने वाले लोग थे। ठीक इसी तरह एक 6th सेंचुरी BC में हमारे यहाँ दो धर्म आए। ठीक है, इस हिंदू धर्म को हम सनातन इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसका कोई ओरिजिन का पॉइंट नहीं है। कहने का मतलब कि जैसे 6th सेंचुरी BC हम नाम दे सकते हैं, एक टाइम बता सकते हैं कि ठीक है इस समय बौद्ध धर्म की उत्पत्ति हुई या जैन धर्म की उत्पत्ति हुई, इसके बारे में ऐसा नहीं कहा जा सकता। तो हम इसीलिए इसे सनातन धर्म कहते हैं। सनातन मीन्स जो हमेशा से चलता आ रहा हो, जो आज भी चल रहा है और आगे भी चलता रहेगा। तो 6th सेंचुरी BC में दो धर्म आए। इसमें बुद्धिज्म को पहले ले लेते हैं। ये
कैसे एक ही धर्म में थोड़ा अलग संप्रदाय हो जाता है उसको मैं बता रही हूँ। जैसे कि हिंदू में मैंने बताया, वैसे ही बौद्ध धर्म में क्या हुआ कि ये भी बाद में चल के, शुरू में तो सिर्फ बौद्ध धर्म रहा, पर बाद में चल के ये ऐसे तो कई भागों में बटा। हम लोग उसको यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि वो हायर स्टडीज में कराया जाता है, पर जितना आपको जानना चाहिए उतना तो जरूर जानिए कि ये महायान और हीनयान में बट गया। हीनयान एंड हीनयान और महायान, ऐसे तो 7th सेंचुरी में इसमें वज्रयान भी जुड़ गया, जो मैं आपको बताऊंगी। क्योंकि 7th सेंचुरी में क्या हुआ था कि सभी धर्मों में, ये नहीं कि हिंदू, जो हिंदू धर्म था, जो बौद्ध धर्म था, जो जैन धर्म था, उन सभी में तंत्र मंत्र का प्रवेश हो गया था। और इसी वजह से आप देखें कि शिव की भी पूजा जो होने लगी थी वो कापालिक के रूप में होने लगी थी, और वज्रयान आ गया था जिसमें कि देवी, जिसमें कि देवता के साथ देवी को भी जोड़ दिया गया था बौद्ध धर्म में। और इसके अलावा सहजयान एक था जो कि बंगाल में चलता था। इसके अलावा भी बहुत सारे सेक्ट थे जो हायर स्टडीज में, जैसे जैसे आप आगे पढ़ेंगे समझेंगे। और इसके बाद फिर हम आते हैं जैन धर्म पे। जैनिज्म, जैनिज्म भी जो था वो बाद में चल के दो भागों में बट गया था, एक तो श्वेतांबर और दूसरा दिगंबर। अब श्वेतांबर, श्वेत मीन्स सफेद और अंबर मीन्स वस्त्र, तो श्वेतांबर जो थे ये लोग सफेद वस्त्र धारण करते थे। और दिगंबर, दिक अंबर, जब आप इसका संधि विच्छेद करते हैं, जब हिंदी पढ़ते होंगे आप लोग उसमें संधि विच्छेद करते होंगे, तो दिक मीन्स होता है दिशाएं और अंबर मीन्स होता है वस्त्र। तो दिगंबर जो थे ये एक्चुअली इन्होंने अपने वस्त्र को भी त्याग दिए थे और ये मानते थे कि जो दिशाएं हैं वही उनका वस्त्र है। तो ये थे दिगंबर। तो ये जैन धर्म के दो भाग हो गए। इसके अलावा अब हम 7th सेंचुरी में आते हैं जबकि इस्लाम हमारे यहाँ आया। क्यों मैं ये पीछे की बात क्यों बता रही हूँ, क्योंकि ऐसा हमेशा ही होता है कि इनिशियली जो धर्म आता है उसको पहले तो ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड होता है, लेकिन बाद में उसी धर्म में कुछ लोग कुछ अलग मान्यता रखते हैं, कुछ लोग कुछ अलग विचार रखते हैं, और फिर वो कई भागों में विभक्त हो जाता है। तो ठीक इसी तरह 7th सेंचुरी में जब इस्लाम हमारे यहाँ आया तो बाद में चल के वो भी दो भागों में बट गया। आगे चल के इस्लाम भी दो भागों में बट गया, शिया और सुन्नी। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि जो मुस्लिम्स थे उनका जो, उनकी जो पवित्र पुस्तक थी उसका नाम कुरान था, और वो सिर्फ एक ही ईश्वर को मानते थे, अल्लाह को। और आगे चल के तो इस्लाम जो था वो दो भागों में बट गया था, शिया और सुन्नी। शिया वाले ये मानते थे, शिया सेक्ट को मानने वाले ये मानते थे कि अली जो कि प्रॉफिट मोहम्मद के सनील लॉ थे वही मुस्लिम कम्युनिटी के लेजिटिमेट लीडर हैं, जबकि सुन्नी ऐसा नहीं मानते थे। और सुन्नी ये मानते थे कि तुर्की के जो खैलिफ्स थे वही इनके लेजिटिमेट लीडर हैं। तो इस तरह से आपका ये सब टॉपिक ख़त्म होता है। और जो नेक्स्ट सब टॉपिक है थिंकिंग अबाउट टाइम एंड हिस्टोरिकल पीरियड, इसमें जो हिस्टोरिकल पीरियड्स हैं एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न, उसमें जो भारत के इतिहास को बांटा गया उसके बारे में डिस्कशन है। इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है जिसका लिंक मैं डाल देती हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वो आप ज़रूर से देख लीजिएगा। तो ये चैप्टर हमारा ख़त्म होता है। Thank you so much.